हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय गोकर और आपका स्वागत है न्यू वीडियो के साथ। आज मेरे पीछे आप जैसे खड़ा देख रहे हैं ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर का नाम होने वाला है आइसर। ये हमारा जेड पट्टी 241 नहीं है, ये हमारा जो सबसे पहले ओल्ड मॉडल आता था आइसर गुडर, ये है ओनली 24 HP वाला। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसका एक छोटा सा रिव्यू दूंगा। जैसा कि आप मेरे पीछे जुड़ी देख रहे हैं ट्रॉली गन्नों की, तो आज इसका एक छोटा सा रिव्यू देंगे यहाँ पे। तो आप ट्रैक्टर देख सकते हैं, पहले मिली है ट्रैक्टर के ओनर से। तो ये हमारे ट्रैक्टर के ओनर भाई, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहित पवार है। कहाँ के रहने वाले हो आप? बैसवाल के। कहाँ पे? यहीं पे शामली का जिला है। अच्छा अच्छा, तो भाई अपने ट्रैक्टर के बारे में, ये ट्रैक्टर वगैरह आप जैसे यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो भाई अपने ट्रैक्टर, ये 24 हॉर्स पावर में आता है। हाँ, 24 HP में। ये सिंपल ट्रैक्टर है। अच्छा, और ये 89 मॉडल है। 89 मतलब 89। तो 89 के हिसाब से कितनी साल हो गई है अब तक? ये हो गए, इसको जोड़ लो 23 और 11, ये 34 साल हो गए। 34 years old। हाँ। और ये दिखने में मतलब कहीं पे वैसे ज्यादा मतलब जंग नहीं है, बस वैसे कलर तो फेड हो ही जाता है दोस्तों, ये क्योंकि लमसम ये 35 years हो गए हैं ऐसे। 34 years, और देख सकते हैं जो ओरिजिनल जो कलर आया था इसका, तब से ऐसे कैसे। आपने कलर नहीं करवाया? नहीं, हमने नहीं करवाया। अच्छा, मतलब ये पूरा ओरिजिनल है आज तक? ओरिजिनल, जैसा कि दोस्तों भाई बता रहे हैं, हमारा ये ट्रैक्टर पूरा ओरिजिनल है आज तक। अभी तक इसमें कुछ चेंज नहीं करवाया, सब ऐसे ही। चेंज कुछ नहीं करवाया? चेंज हुए इसके टायर। चेंज कितनी बार हुए हैं? एक बार हुए बस। और टायर साइज? टायर इसमें दोस्तों कंपनी पर CH के टायर मिलते हैं, और यहाँ पे 12/4/28 ये 12 नंबर का टायर मिलता है इसमें। आप देख सकते हैं, जो हमारे ट्रैक्टर नॉलेज वाले बंदे हैं उनको सबको पता होगा 12/4/28 मतलब सारी साइजों के बारे में। और अगले टायर की बात करें, ये इसमें यहाँ पे JK टायर कंपनी का मिलता है। और इसके साइज़ की बात करें, इसका साइज दोस्तों यहाँ पे, ये इसका साइज मिलता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। और यहाँ पे आइसर रोड पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको पता भी होगा रोडों पर आज आइसर होता है, क्योंकि रोड पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आइसर ट्रैक्टर। और ये हमारे भाई, तो भाई इसके बारे में रुक जाओ। तो भाई जैसे कि आपने लिया था, ये न्यू लिया था या ओल्ड लिया था? नहीं, ये न्यू ही लिया था। कितने का पड़ा था जब आपको ये रुपीज में? तब तो याद नहीं, जो है मेरे पापा और बाबा जी लेने गए थे। अच्छा। तो तब लिया। हाँ, क्योंकि ये 35 years हो गया है। हाँ। तो जब तो ये मैं भी नहीं पैदा हुआ। हाँ हाँ, और बात करें मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ यहाँ पे। और भाई ये यहाँ पे ये क्या देखने को मिलता है? ये हमने अभी लगवाई है, क्या है महीने ये गरारी है, ये इससे जो है मतलब इससे जल्दी स्टार्ट हो जाता है, इससे ज्यादा मतलब सेल्फ से, सेल्फ से भी जल्दी स्टार्ट? नहीं, सेल्फ का तो अलग है, वो तो चब्बे घुमाई हो जाएगा, पर इससे ज्यादा पावर लगाने। अच्छा, की तो सेल्फ, सेल्फ, सेल्फ है इसमें? सेल्फ का है ऑप्शन इसमें यहाँ पे है। अच्छा, ये ऑप्शन सेल्फ का है, ये हमने बंद करवा रखा। अच्छा, है फिलहाल के टाइम पे चाबी से स्टार्ट नहीं होता। चलो वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये भैया यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ, ये यहाँ से अभी गरारी लगवाई है। एक बार आप स्टार्ट करके दिखाएंगे कैसे होता है? हाँ दिखाओ। तो भाइयों, आप और मैं देखेंगे ट्रैक्टर कैसे स्टार्ट होता है सर, क्योंकि ये तो हमने पहली बार देखा है ये। और इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है ये ऐसा? इसकी ये हत्ती है। हत्ती बोलते हैं इसको? अच्छा, हत्ती, हत्ती तो ये दूसरा आता है, ये दूसरे वाली हत्ती, ये दूसरे वाली है। ये हत्ती तो बहुत बड़ा होता है। तो हमारे भाई अभी स्टार्ट करके दिखाएंगे, वीडियो कट कर दूंगा मैं। सो फ्रेंड, यहाँ से क्या करते हैं? ये रेस देते हैं बस। अच्छा, और यहाँ से ताकि बंद न हो, ये तो गिरे पीछे हो गई गई। अच्छा, इसके बाद अच्छा इससे वोल। अच्छा वोल, तो भाई करके दिखाएंगे हमको। तो भाई यहाँ पे स्टार्ट हो गया, कुछ आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगा ना। ये उसका इसका कुछ इंजन बचना, इंजन देखने मिलता है आपको इसकी आवाज़। आप मेरे से पूछ रहे थे आपको ये चलाना कैसे आता है? अरे भाई, आपको मैं राज की बताऊं, राज की बात, हम भी तो किसान ही हैं। तो भाई ये तो मैं वैसे, ये फनी वीडियो थी कि मैं इस भाई से पूछ रहा था। वैसे तो मैं भी एक किसान ही हूँ, किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये तो हमारा भाई है ही। और
ये ट्रैक्टर तो वैसे सब कोई चलाना आता है और बहुत से भाइयों को मेरे को आता भी होगा सब्सक्राइबर्स को, और आपको दिखाते हैं ये इसका यहाँ पे एयर का, जैसे कि नॉर्मल ट्रैक्टर में ये यहाँ पे गिलास टाइप होता है, और इसमें नॉर्मल ओल्ड पहले ऐसा था, ये इसका यहाँ पे रेडिएटर, और इसके यहाँ पे फिल्टर के ऑयल डलता है, ये दूसरा फिल्टर, और यहाँ पे दोस्तों ये इसका डायनमो जिससे बिजली बनती है, और यहाँ पे बात करें इसके यहाँ पे बॉडी, इसको हम खोल के दिखाएंगे, यहाँ पे इसकी वॉल, जब इसको स्टार्ट करते हैं तो अब इसको डाल गिर देते हैं, जैसे कि आपने नॉर्मल जनरेटर देखा होगा इसमें कुछ जो वो इंजन आता है, और इसको पहले इंजन खोल के दिखाएंगे इसका। तो भाई ये खुल गया है, आप इसके इंजन को देखो, यहाँ पे इसकी यहाँ पे हेडलाइट अंदर से, और ये इसकी यहाँ पे सारी बेल्ट, और यहाँ पे एक सिलेंडर में ट्रैक्टर आता है, ये इसका ये ट्रैक्टर का ये वन सिलेंडर ट्रैक्टर है, यहाँ पे साइलेंसर जॉइंट है यहाँ पे, और ये नीचे उस साइलेंसर है, क्योंकि आईसर में बहुत समय पहले ओल्ड मॉडल आते थे, आईसर में नीचे को साइलेंसर आता था, अब तो आईसर में भी ऊपर को आता है। वो दोस्तों भाई इसको बंद कर दो, यहाँ पे आगे आईसर का स्टिकर, ये लोहे का है, और इधर ये यहाँ पे कुछ स्टील की अलग रखी हैं, ये इसकी हेडलाइट, इस स्पेयर पार्ट की कुछ यहाँ पे बॉर्डरिंग मिलती है, और ये इसकी हत्ती दिखाई है हमने, ये इसके दोस्तों कुछ टायर, और यहाँ पे फुट स्टैप ऊपर चढ़ने के लिए, और ऊपर से दिखाऊंगा मैं आपको, ये हमारा ट्रैक्टर 6 गियर में मिलता है, वैसे तो 7 गियर हैं, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये रिवर्स, और यहाँ पे इसका एक क्लच मिलता है, वो क्लच दोस्तों ये जैसे 89 मॉडल है भाई ने बताया उसके हिसाब से बहुत हल्का है, और इधर ये ब्रेक दोस्तों हमने हैंड ब्रेक लगा रखे हैं, यहाँ पे हैंड ब्रेक लग जाते हैं, और अब आपको दिखाएंगे हम यहाँ पे इसकी हैंड वाली रेस, यहाँ पे ट्रैक्टर की, और यहाँ पे कुछ इसका मीटर कंसोल, ये ओल्ड मॉडल के हिसाब से जब तो ऐसे ज़्यादा था, यहाँ पे हेडलाइट का, यहाँ पे इसकी हीटिंग का, और यहाँ पे आरपीएम, ये और यहाँ पे फ्यूल, ये फ्यूल डलता है इसमें, यहाँ पे ये फ्यूल की कैप, और इसमें दोस्तों शायद इतना मुझे खास नहीं पता 30 या 35 लीटर की टंकी मिलती होगी, टैंक फ्यूल की, इसमें डीजल आ सकता है, और एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं दोस्तों। ये यहाँ पे हाइड्रोली का, ये यहाँ से हाइड्रोली उठती है ऊपर नीचे, और ये इसका कुछ यहाँ पे स्टेयरिंग, और दोस्तों ये तो आप देख के इग्नोर कीजिए, क्योंकि जब इतना ओल्ड मॉडल है तो ये तो इसमें नॉर्मल शिफ्ट नहीं आती थी, वैसे ये मड़गाड़ी से गोल गोलाई में आते थे, और यहाँ पे गन्नों की ट्रॉली जो रखी है इसके, और ये हमारे कुछ ट्रैक्टर का लुक। और तो भाई हमें कुछ और जानकारी दीजिएगा, आप फ्री तो हो वैसे भी? फ्री है बस ये पर चलवाने। हाँ तो अभी तो फ्री होंगे, हाँ होंगे ना तो हम कर लेंगे फ्री। और तो भाई एक बार आप ऊपर चढ़ो इस ट्रैक्टर के, अच्छा लग रहा है? अरे भाई मजा आ जाता है। तो वीडियो के बारे में कुछ बोलो कि ट्रैक्टर ये लेना चाहिए या नहीं भाई, मतलब ये ट्रैक्टर 2023 का 24 ही मानो, अब तो 10 दिन में महीना चेंज हो जाएगा, मतलब साल चेंज, तो बताइए ट्रैक्टर लेना चाहिए 2024 में या नहीं? मैं तो ये कहूँगा कि अगर पुराना ट्रैक्टर मिलता है ना तो हाँ, न्यू तो ये डिसकंटिन्यू हो रहा होगा फिलहाल। हाँ अभी तो, हाँ तो न्यू मॉडल आता है, न्यू मॉडल आता है, पर जैसी पावर पुराने में मिल जाती है वैसी अब के मुकाबले नहीं मिलती। हाँ मतलब वही ओल्ड इज गोल्ड वाला मैटर। तो दोस्तों जो हम ये 2024 में लें सेम मॉडल कितने तक का मिल जाएगा? ये 2.5 लाख तक का मिलेगा कम से कम। ये सेम या जो न्यू वाला है? न्यू वाला मिलेगा। अच्छा जो ये सेम कंडीशन वाला ले हम, ये सेम ये मिल जाएगा फिर 1 से 1.25 लाख तक का मिल जाएगा। अच्छा 1 से 1.25 लाख मतलब 25,000। 1,25,000। हाँ मतलब 1,25,000 तक दोस्तों ये ट्रैक्टर देखने को मिल जाएगा। ये आईसर गुड अर्थ 2-6 लाइट नहीं, ये नॉर्मल है, और ये भाई ने ये अलग से लाइट लगवा रखी है छोटी छोटी। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था, ये हमारा कुछ अलग कंटेंट था। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और जो और भी ट्रैक्टर का चाहिएगा आपको मतलब रिव्यू वगैरह तो आप बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और चैनल बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक करें।